हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, और आप कह सकते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ सोडियम पोटेशियम पंप की, तो ये क्या है आपका सोडियम पोटेशियम पंप का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, इसके मैट्रिक व्यू है। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो देखिएगा, देखिए मैं आपको नंबरिंग करके दिखाती हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, आई डोंट नो ये कलर आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं ब्लैक कलर यूज करती हूँ। एक मिनट, देखिए ये हो गई 1, मैं ऊपर लिख रही हूँ 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है, ये 10 क्या है आपका, इसमें 10 अल्फा सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, 10, और बीटा सब यूनिट क्या है 1। एक क्या है, ये आपका पूरा ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये कितनी है 1, और ये क्या है बीटा जो है वो क्या है, हेवीली ग्लाइकोसाइलेटेड है। मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ कि आपकी अगर अल्फा सब यूनिट की बात की जाए, ठीक है, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, आपको पता है ये कितनी है 10। ठीक है, जबकि आपके बीटा सब यूनिट की बात की जाए, ये क्या है 1 ही है, आपको दिख रही है ये अकेले है। ठीक है, और बीटा सब यूनिट क्या है, हेवीली ग्लाइकोसाइलेटेड। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट की मोइटीज हैं, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट की मोइटीज। तो आपकी बीटा सब यूनिट क्या है, हेवीली ग्लाइकोसाइलेटेड। ये स्ट्रक्चर है सोडियम पोटेशियम पंप का। आई होप ये समझ आया होगा आपको कि 10 आपकी अल्फा सब यूनिट, 10 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है बेसिकली। अल्फा सब यूनिट कितनी है आपकी 10, और बीटा सब यूनिट कितनी है 1, जो कि क्या है बीटा सब यूनिट हेवीली ग्लाइकोसाइलेटेड है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। सोडियम पोटेशियम पंप का हमने स्ट्रक्चर समझा, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए सोडियम पोटेशियम, ये आपकी सपोज कीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये साइटोसोलिक रीजन हो गया, ये साइटोसोलिक हो गया, तो उसका दूसरा वाला रीजन नॉन साइटोसोलिक हो गया, या फिर आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो अब आपको हमें पता है, हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा है, एटलीस्ट हम लोगों ने अपने 12th से ये पढ़ा है कि 3 सोडियम क्या होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, और 2 पोटेशियम क्या होते हैं, इनसाइड द सेल आते हैं। 2 पोटेशियम क्या होते हैं, इनसाइड द सेल आते हैं, और 3 सोडियम जो है आउटसाइड द सेल जाते हैं। तो इसको 3 सोडियम को भेजने के लिए और 2 पोटेशियम को अंदर लाने के लिए एनर्जी लगती है, और एनर्जी लगती है तो क्या होता है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एनिमल सेल क्या करती हैं, यूज करती हैं एनर्जी को, एटीपी हाइड्रोलिसिस करती हैं, जिससे कि जो सोडियम है वो बाहर की तरफ जा सके। अगेन आई एम रिपीटिंग, सोडियम आयंस को बाहर भेजने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल सेल्स क्या करती हैं, एटीपी की हाइड्रोलिसिस करती हैं, उस एनर्जी को यूज करती हैं, और जिससे कि सोडियम आयंस क्या है बाहर जाएं। अभी हम ये देखेंगे कि कैसे जाएंगे, डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, अब डिटेल में समझने के लिए आप इधर चलिए, देखिएगा मैं आपको ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक सिंगल सोडियम और पोटेशियम को लेके बता रही हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 3 सोडियम कैसे जाएंगे, लेकिन पहले आप सिंगल को लेके समझिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पहले क्या होता है, ये आप अच्छा, इससे पहले एक और चीज, आपका ये जो है ये क्या है सोडियम, आप इसे सोडियम पोटेशियम पंप कह सकते हैं या फिर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस कह सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो पंप है, ये जो पंप है ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर नहीं है, बल्कि एक एंजाइम की तरह यूज होता है एटीपीएस की। क्योंकि देखो सुनना मेरी बात, एटीपीएस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस में बोल रही हूँ, एटीपीएस का मतलब क्या हो गया, एटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई, एटीपी की क्या हुई हाइड्रोलिसिस हुई। अब एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो गई तो क्या हो गया, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी है, ये क्या है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी है। क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि हमें क्या है सोडियम आयंस बाहर लेके जाने हैं, सोडियम आयंस क्या है बाहर लेके जाने हैं, तो बाहर ले जाने के लिए मैंने आपको बोला क्या होता है, एटीपी का यूज होता है। अब एटीपीएस सिर्फ ये एक ट्रांसपोर्टर नहीं है कि सोडियम आयंस को बाहर ले जाने हैं और पोटेशियम आयन को अंदर ले जाना है, ट्रांसपोर्टर के साथ साथ ये जो पंप है ट्रांसपोर्टर के साथ साथ क्या है एक एटीपीएस भी है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसे सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से भी जानते हैं, एज वेल एज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम आगे चलें तो देखिएगा ये आपका क्या है, ये देखो अब क्या होगा, सोडियम बाइंड्स करेंगे इस पंप से, ये देखो ये इस रीजन से क्या करेंगे, सोडियम बाइंड करेंगे। ठीक है, सोडियम ने बाइंड किया। ठीक है, अब सोडियम ने बाइंड किया तो क्या होता है, पंप अपने आप को ही फॉस्फोराइलेट करता है। एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी और पंप अपने आप को ही क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा। पंप फॉस्फोराइलेट इटसेल्फ जैसे ही सोडियम ने बाइंडिंग की। ठीक है, सोडियम की बाइंडिंग के बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, पंप अपने आप को फॉस्फोराइलेट करता है। फॉस्फोराइलेट होने के बाद पंप क्या हो गया, फॉस्फोराइलेटेड हो गया। अब क्या होगा, फॉस्फोराइलेटेड होने के बाद कन्फर्मेशनल चेंज होता है पंप में, क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा, जिसकी वजह से सोडियम जो है बाहर की तरफ क्या होंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। मतलब सोडियम क्या है, बाहर की तरफ नॉन साइटोसोलिक साइड में चले जाएंगे। कैसे हुआ ये, दोबारा मैं बोल रही हूँ, सोडियम क्या हुए, बाइंड हुए पंप से। ठीक है, बाइंडिंग एफिनिटी है सोडियम की, पंप के साथ सोडियम ने बाइंडिंग की। अब क्या करेगा, पंप अपने आप को ही फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई तो पंप क्या हो गया, ये फॉस्फोराइलेटेड हो गया। ये दिख रहा है आपको पंप, ये पंप अपने आप को फॉस्फोराइलेट कर लिया पंप ने। ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड होने के बाद क्या होता है, पंप में कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। पंप में जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, वैसे ही पंप क्या करता है, जैसे ही पंप में कन्फर्मेशन चेंज होते हैं, सोडियम आइंस क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं। सोडियम आइन क्या हुए, बाहर की तरफ इजेक्ट आउट हो गए, क्योंकि जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, इसकी कन्फर्मेशन बदली पंप की और सोडियम आइंस बाहर की तरफ निकल गए। ठीक है, अब क्या होता है, बाहर आपको पोटेशियम आइंस मिलेंगे तो पोटेशियम आइंस जो है बाइंड करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या होगा, बाहर नॉन साइटोसोलिक साइड में क्या होंगे, पोटेशियम आइंस होंगे, तो पोटेशियम आइंस फिर बाइंड करते हैं। जैसे ही पोटेशियम आइंस बाइंड करते हैं, पंप क्या हो जाती है, डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाती है। पंप क्या होगी, डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाएगी। फिर से कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, अब कन्फर्मेशनल, क्योंकि पंप क्या हुई, डीफॉस्फोराइलेटेड हुई, अपनी ओरिजिनल कन्फर्मेशन में आएगी पंप। फिर पंप क्या करेगी, पोटेशियम को सेल के इनसाइड भेज देगी। मतलब कन्फर्मेशनल चेंज हुआ तो पोटेशियम क्या हो गए, सेल के अंदर आ गए। अगेन आई एम रिपीटिंग, बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या होता है कि सोडियम आइंस बाइंड करते हैं पंप से। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ऐसे समझो, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर क्या है, सोडियम आइंस है। ठीक है, अब सोडियम को बाहर पंप आउट करना है, तो सोडियम को बाहर पंप आउट, सोडियम पोटेशियम पंप है इसके लिए। तो क्या होगा, इस तरीके से ये सोडियम पोटेशियम पंप है सपोज कीजिए, तो सोडियम आइंस यहाँ बाइंड हो जाएंगे। सोडियम आइंस क्या बाइंड हुए, यहाँ बाइंड हुए। फिर क्या होता है, पंप अपने आप को फॉस्फोराइलेट करती है। कैसे, एटीपी से एडीपी हाइड्रोलिसिस होगा, एटीपी से एडीपी हाइड्रोलिसिस होगा, तो पंप में क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया। पंप में फॉस्फोराइलेशन होने ही के साथ साथ ही पंप में कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। पंप में क्या हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज हुआ। अब इस तरीके से पंप का कन्फर्मेशनल चेंज हो गया। सपोज कीजिए पंप इस तरीके से हो गई, पंप में क्या हुआ, कन्फर्मेशन चेंज हुआ, तो इस तरीके से पंप हो गई। अब सोडियम आइंस क्या हो गए, बाहर की तरफ नॉन साइटोसोलिक साइड में चले गए। ठीक है, देन क्या होता है, बाहर पोटेशियम आइंस बैठे होते हैं, पोटेशियम आइंस आके बैठ जाते हैं। पोटेशियम आइंस आके क्या होंगे, अब बैठ जाएंगे पोटेशियम आइंस। ठीक है, अब पंप क्या करेगी, डीफॉस्फोराइलेट होगी। पंप क्या होगी, डीफॉस्फोराइलेट होगी। अभी तक पंप क्या थी, फॉस्फोराइलेटेड। पंप डीफॉस्फोराइलेटेड होगी तो अपनी ओरिजिनल कंफर्मेशन में आ जाएगी। अपनी ओरिजिनल कंफर्मेशन में आने के बाद पंप क्या करेगी, पोटेशियम आइंस को साइटोसोलिक साइड में छोड़ देगी। ये बात समझ आई। तो इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप चलती है। सोडियम आइंस बाइंड करते हैं, फॉस्फोराइलेट करती है पंप अपने आप को। ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड होने के बाद पंप में क्या होते हैं, कन्फर्मेशन चेंज होते हैं, जिसकी वजह से सोडियम क्या होते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। देन पोटेशियम बाइंड करता है, पोटेशियम बाइंड करेगा, देन क्या होगा, देन पंप डीफॉस्फोराइलेटेड होगी। पंप ओरिजिनल कंफर्मेशन में आ जाएगी। अपने ओरिजिनल कंफर्मेशन में आने के बाद पंप में क्या हो, पंप क्या करेगी, पोटेशियम को इजेक्ट कर देगी, छोड़ देगी। तो पंप पोटेशियम कहाँ आ गए, साइटोसोलिक साइड में। इस तरीके से ये सोडियम पोटेशियम पंप चलती रहती है। अब आपको याद होगा, लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, मैम यहाँ तो आप एक सोडियम और एक पोटेशियम की बात कर रही हैं, लेकिन हम तो कहते हैं 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए एक्चुअल में ऐसे ही होता है, वो तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाने के लिए हमने इजी वे में एक सोडियम और एक पोटेशियम की बात की थी। एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये पंप है, ये क्या है, पंप। ये आउटसाइड नॉन साइटोसोलिक साइड, इनसाइड साइटोसोलिक साइड। तो इनसाइड क्या है सोडियम आयन से, तो तीन सोडियम आके बाइंड कर गए पंप से, थ्री सोडियम क्या हो गए बाइंड कर गए पंप से। देन क्या हुआ एटीपी से एडीपी हाइड्रोलिसिस हुई, पोटेशियम पंप ने क्या किया नॉट पोटेशियम पंप ने अपने आप को क्या किया फॉस्फोराइलेटेड कर लिया। अब पंप क्या हो गई फॉस्फोराइलेटेड, फॉस्फोराइलेटेड पंप, ठीक है पंप क्या हो गई फॉस्फोराइलेटेड अपने आप को, पंप ने अपने आप को क्या कर लिया फॉस्फोराइलेटेड। देन क्या हुआ पंप में कंफर्मेशन चेंज हुआ, दिख रहा है आपको पंप में कंफर्मेशन चेंज हुआ, थ्री सोडियम्स कहाँ आ गए नॉन साइटोसोलिक साइड में, थ्री सोडियम्स कहाँ आ गए नॉन साइटोसोलिक साइड में। देन क्या होता है कि अब पोटेशियम आके बाइंड कर जाएंगे भाई, उससे क्या है पोटेशियम यहाँ इधर क्या होंगे पोटेशियम आके बाइंड कर गए, दो पोटेशियम आके बाइंड कर गए क्योंकि पोटेशियम के लिए कितनी जगह है सिर्फ दो पोटेशियम के लिए जगह है, तो दो पोटेशियम आके बाइंड कर गए सेम एफिनिटी से, ठीक है। तो अब क्या हुआ पंप अपने आप को क्या करेगी डीफॉस्फोराइलेटेड करेगी, पंप अपने आप को क्या करेगी डीफॉस्फोराइलेटेड, पंप अपने आप को क्या करेगी डीफॉस्फोराइलेटेड। देखो फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है, तो अब डीफॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होगा पंप अपने आप ओरिजिनल कंफर्मेशन में आ जाएगी, पंप क्या हो गई अपने ओरिजिनल कंफर्मेशन में आ गई। और ये पोटेशियम आयंस क्या कर दिए उसने रिलीज कर दिए, पोटेशियम आयंस क्या कर दिए रिलीज कर दिए। तो ये होता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, ये क्या है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। आई होप गाइस आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब देखना अब इसका एक बहुत मतलब जैसे एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है ओस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के काम करती है। क्या करती है सोडियम, वैसे तो बहुत सारे रोल होते हैं लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप क्या करती है ओस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। देखो कैसे, सपोज करो ये एक सेल है, ठीक है सपोज करो यहाँ एक सेल है आपकी, इसमें ये आप इस सेल में आपके ये आइंस हैं, ये क्या है आपके आइंस हैं, ठीक है ये आइंस हैं कुछ, लेकिन बाहर क्या है और कम है आइंस, बाहर क्या है आइंस कम है, ठीक है। अब अंदर आइंस ज़्यादा है और ये है वाटर, ये क्या है वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनो, वाटर ऐसे समझो वाटर क्या है वाइफ, ठीक है हमेशा ये कंसेप्ट याद रखना, और आइंस क्या है आइंस है हस्बैंड, आइंस क्या है आपके हस्बैंड, हस्बैंड। तो जहां जहां हस्बैंड वहां वहां वाइफ, तो जहां पर आइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहां पर आइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वहां पर पीछे पीछे पानी चला आएगा, वहां पर पीछे पीछे क्या आ जाएगी वाइफ चलते हुए आ जाएगी। तो आइंस की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो पानी क्या होगा अंदर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से क्या होगी सेल क्या होगा सेल स्वेल करने लग जाएगी। भाई पानी अगर सेल में अंदर की तरफ आएगा तो सेल क्या करने लग जाएगी स्वेल करने लग जाएगी, सेल स्वेल करने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा सेल को बस्ट होने का डर रहेगा, ये रिस्क हो सकता है कि सेल बस्ट आउट हो जाए। सेल क्या हो जाएगी भाई सेल फूलेगी, तो सेल फूलने के बाद फटेगी ना, तो इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं मेंटेन करके रखते हैं आयंस की कंसंट्रेशन को, सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। बात समझ आई, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ किस तरीके से ओस्मोटिक बैलेंस होता है। ध्यान से सुनो, सपोज करो कोई भी एक चैम्बर ले लो, सिंपल कुछ भी एक बात कर लो कि अगर सपोज करो बाहर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है आयंस की कम है, भाई अगर बाहर की तरफ कम है आयंस की कंसंट्रेशन और अंदर की तरफ कंसंट्रेशन आयंस की क्या है ज़्यादा है, तो अब मैंने बताया H2O क्या है वाइफ और आयंस क्या है हस्बैंड, तो जहाँ जहाँ हस्बैंड वहाँ वहाँ वाइफ। तो आयंस क्या करेंगे मतलब वाटर क्या करेगा अपने आयंस की तरफ भागा चलाएगा, आयंस की तरफ क्या करेगा वाटर क्या करेगा भागा चलाएगा दौड़ते हुए आएगा। तो अंदर की तरफ आयंस ज़्यादा है तो अंदर की तरफ वाटर ज़्यादा आएगा, ठीक है अंदर की तरफ वाटर जब ज़्यादा आएगा तो सेल क्या करेगी स्वेल करेगी, जैसे ही सेल स्वेल करेगी वो क्या होगी बस्ट आउट हो जाएगी। तो इस चीज़ को मेंटेन कौन करता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं मेंटेन करते हैं ओस्मोटिक बैलेंस, एनिमल सेल में क्या करते हैं ओस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ये एक मैंने कॉमन एग्जाम्पल दिया है, होता बहुत टिपिकल वे में लेकिन मैंने बहुत इजी वे में आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप का रोल आता है, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये बहुत अच्छे से सोडियम पोटेशियम पंप समझ आया होगा। अच्छा एक चीज़ और, मुझे एक चीज़ और आपको छोटी सी बतानी है कि जैसे सोडियम आयन से हम बाहर की तरफ भेजते हैं, तो अगर इस चीज़ को इनहिबिट करना हो एक इनिबिटर यूज करा जाता है, वैसे काफी सारे होते हैं, मैं एक कॉमन इनिबिटर बता रही हूँ, ओवाबेन। ओवाबेन क्या है? इनिबिटर है, ठीक है, जो कि सोडियम पोटेशियम पंप को इनिबिट करता है। अगर सोडियम आयन जैसे हम लोग बाहर की तरफ भेज रहे हैं, उसको अगर इनिबिट करना हो तो प्लांट ग्लाइकोसाइड है, प्लांट ग्लाइकोसाइड है ये, देख देती हूँ, प्लांट ग्लाइकोसाइड है ये ओवाबेन, जो कि क्या करता है, इनिबिटर की तरह यूज करा जाता है सोडियम पोटेशियम पंप में। सोडियम का बाहर जाना हॉल्ट हो जाता है अगर आप ओवाबेन को यूज करें, OUABAIN, ओवाबेन, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये बहुत अच्छे से सोडियम पोटेशियम पंप समझ आई होगी। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे देखते हैं तो वो भी आंसर कर देते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको अगर आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारे फेसबुक पेज का लिंक है fb.me/ज्ञानवर्षा बायो। आप ये जो मटेरियल है ये मैं पूरी एज अ PDF बना के अपलोड कर दूंगी। ये हमारा टेलीग्राम पे चैनल है ज्ञान वर्षा, आप सर्च कीजिएगा, आपको इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा चुकी हूँ, बहुत सारे सेल बायो के ऑलरेडी मैं वीडियोस कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। मैंने सेल सिग्नलिंग भी इवन पूरी कवर कर दी है, मैंने सेल साइकिल भी पूरी कवर कर दी है, मैंने इम्यूनोलॉजी पूरी कवर कर दी है, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, ठीक है। 300 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं हमारी इस चैनल पर, आप चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। सो थैंक